बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम, उम्मीद करता हूँ आप खैरे से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 कॉम्बिनेटरिक्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके पास पार्टीशन ऑफ इंटीजर क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें कुछ इंटीजर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसको आप कितनी तरह से पार्टीशन कर सकते हैं, हम कैसे लेके इसको चल सकते हैं। फर्स्ट में जो 1 है इसकी तो 1 ही होगी, जो 2 होगा उसको आप 1+1 लिख सकते हैं, मज़ीद इसको आप नहीं कुछ लिख सकते। 3 को आप 2+1 भी लिख सकते हैं और 1111 भी लिख सकते हैं, इसमें आपका क्या आ जाएगा, 3 ही आंसर आएगा। इसी तरह 4 को आप 3+1 लिख सकते हैं, 2+2 लिख सकते हैं इस तरह, और इसको आप 4 मेथड से इसको पार्टीशन इसकी कर सकते हैं। 5 को आप इस तरह कर सकते हैं एक्सपेंड। तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पास बॉक्स है, इसमें आपके पास जो P1 होगा ना, पार्टीशन 1 की कितनी टाइम्स हुई है, 1 टाइम। पार्टीशन ऑफ 2 कितने हुए हैं नंबर, आपके पास 2 नंबरों में हुई है 2 की पार्टीशन। 3 की पार्टीशन आपके पास कितने नंबर में हुई है, लास्ट आपने 1, 2, 3 आपका, आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह 4 की लास्ट पे देख लिया आपने कितने नंबर में हुई है, 1, 2, 3, 4। 4 की आपके पास स्टूडेंट जो पार्टीशन हुई है, सॉरी लास्ट में देखना, मैंने ये बताया आपको, तो ये आपके पास हुई है 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स हुई है, तो आपके पास इधर क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद आपने 5 की देखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 टाइम्स हुई है, आपके पास इधर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। इस तरह की आपने इसकी नंबर की पार्टीशन कर लेनी है। तो इसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, टू फाइंड द नंबर्स ऑफ पार्टीशन ऑफ द इंटीजर एंड वी कैन राइट अ जनरेटिंग फंक्शन हाउ मेनी टाइम्स, आप इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं। अगर ये 1 है तो इसको आप ऐसे चला सकते हैं, 1 एक्स की 0 क्या होता है, 1 ही होता है, एक्स की 1, एक्स की 2, एक्स की 3 अप टू सोन, और इसका जो आएगा 1/(1 - x), ठीक हो गया। उसके बाद 2 को आप x की 2, 4, 6, ये 2 के मल्टीपल है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसके ऊपर पावर क्या आ गया आपके पास, जो स्टार्ट में थी 2 हो गई। नेक्स्ट आपके पास 3, एक्स की 3, 6, ये 3 के मल्टीपल है, तो इधर पावर क्या होगी, 3। इसी तरह अप टू सोन चलते जाएंगे तो आप आखिर में पावर क्या आएगी, x की पावर n। तो ये तो थी इंटीजर की पार्टीशन कैसे होती है। नेक्स्ट इसकी एक दो एग्जाम्पल भी हम सोल्व करते हैं इसी लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास है पी ऑफ एक्स, ये मैंने लिखा है जो उनका, जो मैंने लिखा था उनका सबका प्रोडक्ट मैं करने लगा हूँ, 1, 2, 3, इन सबको मैंने इकट्ठा लिख लिया। अब ये चीज़ किसके बोलती, 1 - x² के, जो मैंने उधर लिखी थी, ये चीज़ 1 - x² के, ये चीज़ 1 - x³ के। अब इन सबको मिला के मैं समिशन फॉर्म में लिखने लगा हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा i > 1, क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है, ठीक हो गया। 1 क्या होता है, x की 0 क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, ये 1 से ग्रेटर है, 1 से लेकर अप टू सोन चल रहा है इन्फिनिटी तक, 1/(1 - x) i। इन सब पावरों को मैंने किस में चेंज कर दिया, i में। और आप इवन नंबर के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 से स्टार्ट लेंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू सोन चलेगा, तो i > 1 टू इन्फिनिटी, तो इधर 2 के मल्टीपल है ना, 2 2 ज़ा 4, 6, 8, ये 2 के मल्टीपल है, तो i के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जस्ट। ये फॉर इवन के लिए था। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर पार्टीशन a + 2b + 4 = n। अब देखें a आपके पास पावर क्या, इसके कोफिशिएंट क्या है, 1, आपने इसको सिंगल लेके चलना है, 1+ इस शेप में, 1+x + x² / 2 ये किसके इक्वल होता है, 1 - x के। अब b के साथ 2 है तो आपने 2 पावर से स्टार्ट लेना है, c के साथ 4 है आपने 4 पावर से स्टार्ट लेना है, इनको आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास इनका जवाब ये आ जाएगा। तो इस तरह की एग्जांपल मैं आपको एक और सेंड कर दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। ये आज का हमारा लेक्चर था, इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।